So, assalamu alaikum guys, finally we are back with another vlog. So guys, जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को यार लाजमी दबा दो, क्योंकि हमारे अभी ये ब्लॉग जब तक मैं अपलोड करूँगा उम्मीद है 4-5 हज़ार सब्सक्राइबर इंशाल्लाह हो गए होंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिस स्पीड से हम लोग ग्रो कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे शुरली लगी हुई नीचे आप अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सब्सक्राइबर गेन हो गए हैं। दो गाइस जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो यार, बेल आइकन को लाजमी दबाया करो ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई व्लॉग अपलोड हो गया है। ज़्यादा फ्री होकर देख लिया करो, कम से कम बेल आइकन को तो ऑन कर लो यार, गलत बात है। चलो खैर कोई नहीं, अभी सुबह सुबह का टाइम है जैसे कि आप लोगों को पता है, तो वॉच पहनता हूँ और अपने इसको साफ करता हूँ साइकिल को। ये इसका नाम रखेंगे हम, ऐसे नहीं इसको छोड़ना, इसका कोई नाम रखना, इसका नाम रखना है मुझे यार, कोई नाम बताओ अच्छा सा, नहीं बताया तो मैं खुद सोच लूँगा, फिर ना कहना कुछ है नहीं मेरे पास। तो जल्दी से नाम बता दो, कोई 2-4 ऑप्शन देता हूँ, फिर हम इसको थोड़ा बहुत ना 19-20 इसके ऊपर लिखो नाम लिखवा भी देंगे और मॉडिफिकेशन भी उन्हें भी करा लेंगे, क्योंकि मैं सिंपल सा बंदा हूँ, मुझे सिंपल चीज़ें पसंद है। तो भी देखते हैं इंशाल्लाह, तो फिलहाल इसको साफ करते हैं क्योंकि खड़े खड़े बहुत मिट्टी आती है, बहुत मिट्टी आती है। देखो टायरों में भी है लेकिन नहीं सही कर, अभी शापर भी नहीं उतरे, खूब रन से मिट्टी आ चिमड़ जाती है, हालांकि तो ब्लैक भी नहीं है, इसका ओरिजिनल कलर भी देखो कौन सा है ये, मैं शापर उतारूंगा ही नहीं। देखो शापर के नीचे और शापर के बाहर ये देखो मिट्टी, मैं नहीं उतारूंगा, ये चढ़ा रहेगा। सीन ऐसे है मैं बाहर आया हूँ तो देखो साफ करके आया कि नहीं आया, अरे अल्लाह अकबर चेक करो। गाइस अभी का सीन ऐसा है, मैंने इसको यहाँ पार्क किया है गली में, मैंने कहा कोई भी नहीं था, ये मेरी जान खड़ी है, मेरी नहीं है किसी और की है, लेकिन फेवरेट कार है। सो गाइस अभी का सीन ऐसा है, मैं असल में वहाँ नहीं बना पा रहा, मुझे पता नहीं क्या लोगों की आदत ख़त्म हो गई है, लोगों को देख के मैं कन्फ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा ना, क्योंकि मुझ में व्लॉगिंग की आदत बिल्कुल सिरे से मिट गई थी, मैंने बनाना छोड़ दिया था। आप लोगों को याद है मैं क्लिप्स बना भी रहा था तो 90% मैं अपने ऊपर कैमरा नहीं रखता था, सिर्फ 10% रखता था, तो इसी वजह से अब मेरे में आदत हो गई है ख़त्म। बाकी इसको चेक करो कैसी लग रही है, आए हाय 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 क्या बात है। तो वैसे मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया, हालांकि मैंने वहाँ पे रुकी जैसे कि आप लोगों ने पिछला क्लिप देखा, मैंने कहा खुद पे करता हूँ, ओह एक अंकल यार अभी भी वो मुझे वहाँ से छुप के देख रहे थे, खैर कोई बात नहीं अपने अंकल है देख रहे थे क्या हुआ, खैर है बच्चा रुका हुआ है कभी रुकता नहीं है इधर। तो गाइस अभी का सीन ऐसा है, मेरी वहाँ पे ना मेरे से बन नहीं रहा था व्लॉग, जिसकी वजह से मैं बोल ही नहीं, मैं खुद के ऊपर कैमरा ही नहीं कर पा रहा, इतनी अजीब थी कन्फ्यूजन है क्या है मेरे में, नहीं हो रही हिम्मत क्योंकि आदत ख़त्म हो गई है मेरे में। असल में ऑनलाइन कर करके ना ऐसे घर में रहता था, बाहर लोगों में निकलता नहीं था, मेरे जितने भी पुराने दोस्त अगर मुझे तो देख भी रहे तो उनको पता है मैं आजकल किसी से भी नहीं मिल रहा, तकरीबन 4-1 महीने हो गए होंगे, तो मुश्किल इक्के दुक्के से तो मैं मिला हूँगा पिछली ईद पर, वरना मैं उनसे भी नहीं मिला, बहुत पुराने कोई दोस्त हैं उनसे तो मिला ही नहीं, 4 साल होने वाले हैं, किसी को 2 साल होने वाले हैं, हर किसी का अपना अपना टाइम पीरियड है। तो गाइस अभी का सीन ऐसा है कि मैं कॉन्फिडेंस गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी इस कव्वे के और वो बिल्ली वहाँ से जा रही है उसके सामने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन किया है, और यहाँ रुकने के लिए भी मुझे सोचना पड़ा काफ़ी, क्योंकि लोगों के घर हैं आप लोगों को पता है, ऐसे कॉलोनी में ऐसे खड़ा होना ना, वो भी अकेला पूरी कॉलोनी में हर बंदा डाउट करता है कि भैया खैर है क्यों रुके हुए हो, और फिर जिस दौर में हम यहाँ रहते थे उस दौर में लोग सारे जानते थे, इधर वो मुश्किल थोड़े से लोग हैं अभी जानते हैं, बाकी सारे न्यू आ गए हैं क्योंकि न्यू घर बन गए हैं हर तरफ, इसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल हो गया है यहाँ पर रुकना, खैर कोई मसला नहीं इंशाल्लाह। अभी हम लोग जा रहे हैं कैंट तक, कैंट तक जाएंगे एक गोल चक्कर लगा कर वापस आएंगे, आप लोगों को शायद ना दिखा सकूं क्योंकि मेन रोड है, मेन रोड है जिसकी वजह से मैं अवॉइड करूंगा। अब अंकल आ रहे हैं ना सामने से तो मैं कॉन्फिडेंस गेन करके खड़ा हूँ, ये कुछ नहीं होता, आप लोग इधर से भी देख लो पीछे अंकल आ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस देते हैं, बल्कि आ जाओ चलते हैं कोई दूसरी बात नहीं करते, बस पीछे से निकलते हैं और आ जाओ चेक कर रहे हो व्यू, छीन ना जाए फोन
फिलहाल यही डर लगा रहता है ऐसे प्लेसेस पे। हो अभी हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमने फिरने, मज़ा कोई नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता ऐसे घूमना है वो था। चेक करो। सो गाइस वो देखो, मुल्तान वालों को तो पता होगा इसका, सामने लेफ्ट हैंड पे कैंट है, लेकिन मुझे कैंट नहीं जाना। हमें कहाँ जाना है? हमें घूम कर वापस आना है, अपना इतना ही टास्क है। सो गाइस वो देखो, अभी तक कोई भी नहीं है। मैं अकेला खड़ा हूँ, मैं निकलने वाली करती तरह नहीं खड़ा। ओवर स्पीडिंग है, बस व्यू देख लो, मैं सिर्फ उसकी वजह से रुकता हूँ बस। सो गाइस मुझे पूरा वहाँ तक राउंड लेने में तकरीबन 12-12.5 मिनट लगे हैं। उसमें मैं रुका हूँ, आप लोगों ने क्लिप देखे, मैंने वो भी बनाए, फिर मस्जिद भी मैं रुक रहा था बीच में आप लोगों को दिखाने के लिए, और आहिस्ता आहिस्ता चल भी रहा था आप लोगों को व्यूज दिखाए। इसको भी यहाँ पार्क किया है। मेरी काम पे थोड़ी थोड़ी टांगना शुरू हो गई हैं, क्योंकि वो पुल है ना, रेड है काफ़ी, और है भी लंबी करके, और फिर मैं गया भी ऊपर वाले पुल से हूँ तो वो मज़ीद लंबा है, तो मैंने कहा ज़रा सांस ले लूँ। बाकी मज़ीद चेक करो यार, कसमें दिल आ गया मेरा, अगर होती ना ये गाड़ी तो मैं भी इसको पता नहीं क्या क्या यकियाँ डाल के बैठा होता, यकियों से मुराद ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा होता जैसे आजकल के ब्लॉगर्स कर रहे हैं, सिविक वाले हो गए या मार्क एक्स वाले हो गए। खैर कोई नहीं, अपनी यही बीस्ट है यार, कम से कम साथ तो नहीं छोड़ती। ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी मैं भी इसकी केयर करता हूँ भाई, ये ऐसी लाइफ लाइन है जिसका साथ दोगे ये आपका साथ देगी। बस इसकी कहते हैं ना ट्विनिंग करवाना, हम शिशके वही रखेंगे गाड़ियों वाले, तो भी करवाएंगे इसकी ट्विनिंग। ट्विनिंग से मुराद इसके ऑयल वगैरह देंगे, मैं भी अभी ज़रूरत नहीं है। हाँ अभी ज़रूरत नहीं है, अभी है, चलो अभी महीना दो इसको यूज़ करते हैं अच्छी तरह, फिर इंशाल्लाह इसकी ट्रेनिंग करवानी है। मुझे हर बंदा घूर के जा रहा है तो मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह वो टाइम आएंगे कि भाई मजमे के सामने मैं ऐसे कैमरा पर खड़ा हूँ, आदत ख़त्म हुई है तो आदत डालनी भी आती है। गाइस अभी इधर से निकलते हैं, उधर से निकलेंगे, फिर उधर से निकल के उधर घुसेंगे, फिर यहाँ से निकलेंगे, फिर यहाँ से निकल के वापस उधर, उधर से फिर वाला तबाह नंबर दो। तो आ जाओ, आज का टारगेट है अभी हमें करना है, और पिछला सारा टाइम मैंने रिमूव कर दिया था जब मैं वहाँ के लिए निकलने लगा था। सो आ जाओ बस चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं, आ जाओ चले आ जाओ। सो गाइस आज मैं वहाँ खड़ा हूँ जहाँ से मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। अब मुझे नहीं अच्छा लग रहा क्योंकि घर हैं, लेकिन मेरे सामने जो जगह है ना इसके साथ मेरी बहुत मेमोरीज हैं, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसका चूरा चूरा हो गया, इतना सा ज़र्रा भी बाकी नहीं रहा मेमोरीज का, क्योंकि उसका वजूद ही नहीं रहा, वजूद ही मिटा दिया यहाँ से। ओए होए बड़ा दुख होता है यार, मेमोरीज ये भी देख रही है कौन पागल है लगा पड़ा है। खैर कोई नहीं, यहाँ हमारी बहुत मेमोरीज थी, ये अभी उगे भी नहीं थे, ये जो नज़र आ रहे हैं ना आपको ये थे ही नहीं। हमारी एक्टिविटीज़ होती थी स्कूल की, हमारी यहाँ परेड होती थी, यहाँ पे सारे यूँ लाइन बना के खड़े होते थे सामने, इधर मैम वगैरह होती थी उधर एंड तक, तो यहाँ पे हमारी परेड होती थी, क्योंकि उस टाइम हम लोग थे तकरीबन 3-4 क्लास में थे, तो उस टाइम बहुत मेमोरीज हैं। अब आंटियाँ आ रही हैं, मैं ज़रा निकलता हूँ, बट यहाँ वजूद कुछ भी नहीं रहा। आदिल वीडियो दिखा दे जल्दी कर भाई, ये ओ गाइस इसने वो वीडियो बनवाई है अपनी, इसकी तो वीडियो देखना। हाँ जल्दी कर, निकाल निकाल निकाल, ये देख रहे हो ये बुरखे वाली, पता है कौन है ये बुरखे वाला? ये मनोज इंसान है, क्या प्रूफ बताओ मुझे। ये अभी देखो इसके ठुमके देखो, कॉपीराइट आ जाएगा। ओए होए ये तू मनहूस हरकतें कर रहा है, ये देखो ये बुरखे वाले को देखो,
प्रूफ क्या है ये मैं हूँ ये मैं नहीं हूँ झूठा है चल बार चल चल बार बार घर में ना घुसी हो निकल निकल घर से बाहर तू मेरा भाई नहीं है।